नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 28 साल बाद अहम फैसला दिया है, और फैसला ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, रितंबरा, साक्षी महाराज, विनय कटियार, अशोक सिंगल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, बाला साहब ठाकरे, मोरेश्वर सावे, ये सब जो अभियुक्त बनाए गए थे विवादित ढांचे में, इन पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने उस विवादित ढांचे को गिराने की साजिश रची थी। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि कोई साजिश नहीं रची गई थी और इन सबको बरी कर दिया गया है। भाव तौर से कर मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। भाव, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। इस फैसले नमस्ते पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है भाव? सभी इसका इंतजार कर रहे थे। नहीं, मैंने तो 2 दिन पहले मराठी में इस पर एक वीडियो किया था और ने यही फैसला आ जाएगा ऐसा मैंने बोला था। भूकंप होगा, बुधवार को भूकंप होगा ऐसा प्रेडिक्ट मैंने किया था। तो उसमें मैंने बोला था कि इनको क्लीन चिट देने के लिए केस चलाई गई, क्योंकि इसमें केस है ही नहीं, ये तो फैसला आया हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सीबीआई को बोला इस पर फिर ये करो। और जो जबकि ऐसे केस में गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, तो मोदी सरकार ने परमिशन दी थी। तब आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग बोले थे ये सीनियर्स को मानते नहीं, अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं, कुछ कुछ बोले थे। और मुझे याद है कि उस वक्त लालू तो इतना बोले थे कि ये अडवाणी को दगा दे सकते हैं, तो ये क्या सरकार और देश की जनता को दगा नहीं देंगे। तो इसी को राजनीति बोलते हैं। ये हमारे यहाँ इतना अजीब बात हो गई है कि जिसको राजनीति बिल्कुल समझती ही नहीं, वो राजनेता है, राजकीय विश्लेषक बन एनालिस्ट बने बैठे। एक जी सीधी बात है, तुम्हारी गवर्नमेंट है और तुम ही जिसको नीचे से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर किया था, तो उस पर चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर बिल्कुल भी चलाया। इसका मतलब क्लियर था कि ये केस खड़ी होने वाली नहीं। अभी जी आइडेंटिकल केस में बोलू आपको, तो 2000 में, सन 2000 में यही बाबरी के बाद जो मुंबई में दंगे फसाद हुए थे, जी उस वक्त के सामना के 11 एडिटोरियल जो थे उस पर कंप्लेंट की गई थी, पुलिस ने रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसको परमिशन नहीं दी गई थी। जी तो उस पर जाके 2000 में जब बीजेपी शिवसेना की सत्ता चली गई और भुजबल पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ही वो परमिशन दे दी। और अभी बाला साहब को अरेस्ट हो गई, बहुत बहुत तमाशा हो गया। तो उस वक्त भी ऐसी अजीब बात थी कि मैं अकेला जर्नलिस्ट था मराठी में कि मैं बोला था इनका बाल भी बांका नहीं होगा, और वो सच हो जी गया। अब मुझे पूछने लगे कि भैया तुम कैसे बोल रहे थे गारंटी से। तो उसमें एक बात होती है, देखिए आप जो देखना चाहते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं कुछ भी, आपको भूत दिखाई देता है ना, औरों को नहीं जी दिखाई देता, लेकिन आपको दिखता है क्योंकि आपको देखना है। तो सब मराठी या मुंबई के जो जर्नलिस्ट थे उनको तो ठाकरे का नाक कटा जाना देखना था, तो खुश हो गए थे। लेकिन जी इसी बात पर उसके पहले हाईकोर्ट में केस हुआ था, तो उसमें से 7 एडिटोरियल्स ऐसे थे कि उस पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था और जी बोला था कोर्ट ने कि भाई तुम ये 4 लाइनें निकाल कर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये टोटलिटी में पढ़ना पड़ेगा, पूरा एडिटोरियल पढ़ो और उसमें दिखाओ कि कहां भड़काऊ क्या है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन उसी जजमेंट में हाईकोर्ट ने बताया था कि ये टोटल 11 एडिटोरियल्स है सीरीज जैसे, तो उसमें से हम 7 पर हमारा जजमेंट दे रहे कि
चार पर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उस पर पुलिस केस रजिस्टर की हुई है, एफआईआर दर्ज है, तो वो जो मामला पुलिस के पास आएगा तब की बात है। अब उसी चार एफआईआर जो थे उस पर अगर केस चलेगा तो फिर उसी जैसा डिसीजन आने वाला था, लेकिन हम वो कहां देखना चाहते हैं? हम तो ठाकरे का नाक कटा हुआ देखना चाहते थे, तो पूरे जर्नलिस्ट खुश हुए थे, मैं अकेला था कि वो, मेरा ख्याल है कोई दिलीप डिसोजा नाम का था और एक कोई ऐसे दो लोगों ने वो रिट पिटिशन डाला था, वो अगर झुटलाया गया तो ये भी झुटला है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते ना। तो इस मामले में बात सीधी थी कि अगर मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट अपने सीनियर लीडर्स को बचाना चाहेगा, तो फिर भी केस करने दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्लीन चिट आने वाली है, तो क्यों हम पॉलिटिक्स दिखाए कि भाई ने हमने उनको बचाया, केस चलने नहीं दिया, तो केस चलाया और क्लीन चिट लिया, इसको ही पॉलिटिक्स बोलते हैं। भाव इस मामले में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद एक एफआईआर लॉज हुई थी 197/92, उसमें अज्ञात कार सेवकों को अभियुक्त बनाया गया था। इसके बाद एक और एफआईआर लॉज की गई 198/92 और इसमें लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, कल्याण सिंह को, उमा भारती को, रितंबरा को, साक्षी महाराज को, विनय कटियार को, अशोक सिंगल को, गिरिराज किशोर को, विष्णु हरि डालमिया को, इन सबको अभियुक्त बना दिया गया। ये जो 198 एफआईआर लॉज की गई थी ये ही साजिश की बू दे रही थी कि आप इसको पूरी तरीके से राजनीतिक मुलम्मा उड़ा देना चाहते हैं और पूरे केस में आप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ नया है ही नहीं, आपको याद होगा तो 95-96 की बात है, 96 की जब जैन डायरी की केस हुई थी। जी जी, तो उसमें वो खुराना बेचारे दिल्ली के, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चली गई, बिल्कुल माधव सिंधिया का नाम था उसमें, विद्याचरण शुक्ला का नाम था, तो ये तो कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल गए थे गुस्से में, क्योंकि कांग्रेस की नरसिंहराव गवर्नमेंट थी, अडवाणी का नाम था, तो अडवाणी उस वक्त तो टॉप पर थे जैसे आज मोदी, तो अडवाणी ने घोषित कर दिया कि जब तक कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, ऐसा घोषित किया था उसने, और फिर उन्होंने वाजपेयी का नाम आगे लाया, नहीं तो टॉप पर अडवाणी थे। अच्छा, उन पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, आगे कुछ नहीं हो रहा, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की ये स्टाइल है हमारे यहाँ, कैसे होता है। आखिर में अडवाणी हाईकोर्ट में चले गए, अरे मेरे पास मेरा जो केस है वो चलाओ, तो हाईकोर्ट ने दिए ऐसा जजमेंट दे दिया, ये कौन है एफआईआर दर्ज करने वाला, इस मैजिस्ट्रेट को एविडेंस एक्ट भी समझता नहीं, ये कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता, और केस खत्म हो गई। तो ये हमारे यहाँ चलता है, इसको तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, लेकिन यही बात जिनको समझ में नहीं आती वो खुद को राजकीय विश्लेषक एनालिस्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल, ये भी केस जो आप बोल रहे हैं कि बाद में एफआईआर दर्ज हुआ, ये तो होता है। अभी देखो मालेगांव के मामले में आप देखें तो मालेगांव के मामले में भी कुछ लोगों को पहले अरेस्ट किया था, फिर यहाँ एक एनसीपी पार्टी जो है उनका एक शिविर हुआ था, उसमें उन्होंने शरद पवार जी बोले अरे आप एक ही रिलीजन के लोग कैसे बार बार पकड़ते हो। फिर इन्होंने जो यहाँ की एसटीएफ है एंड एटीएस है उसके चीफ बदल दिए, वो चीफ बदल दिए और उसकी जगह नया चीफ आया और उसने टोटली अलग ढंग से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और उसमें कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह वगैरह उनको डाल दिया जी। अब देखिए उसके बाद आप जो बार बार बोल रहे हैं ना एफआईआर ये था एफआईआर वो था, तो जबकि मैंने उस वक्त लिखा था कि इनके सामने कोई भी एविडेंस है नहीं, बिल्कुल, तो कांस्टेबल था उसको मुझे फोन आया था तब, बोले आप हम तो मैं पुलिस में हूं मुझे एक समझ में, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इतना तो पकड़ा है करकरे साहब ये बोल रहे वो बोल रहे,
तो 3 महीने होने को आए थे, तो 3 महीने के लिए मुझे, मेरा ख्याल है 3 दिन बाकी थे, 86-87 डेज हो गए थे, तो इन्होंने मौका लगा दिया जी। इसलिए मैंने लिखा कि इनके पास कोई इविडेंस है ही नहीं, तो इविडेंस है ही नहीं, इसका इविडेंस क्या था, तो इन्होंने मौका लगा दिया। अब मौका लगा दे रहे हो आप, तो 1 साल तक आप कोई अपने को डिफेंड कोर्ट में कर ही नहीं सकते, 1 साल के लिए आप बेल की एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। अब देखिए 90 दिन के बाद इसको बेल की एप्लीकेशन करेगा तो बेल देनी पड़ेगी कर्नल पुरोहित और उनको, तो उसे रोकने के लिए ही मौका लगा दिया, अभी वो भी गलत था। फिर उसकी केस जब मौका में चली तो वो भी निकाल दिया, मौका कोर्ट बोला कि अरे मौका की प्रोविजंस पढ़ो, उसमें एक कन्विक्शन चाहिए और कम से कम एक कन्विक्शन चाहिए और एक नया गुनाह चाहिए, ये तो आपने इनके खिलाफ दूसरा कोई है कन्विक्शन तो है ही नहीं, आपका FIR पहला है। फिर उनको मक्का बॉम्ब स्फोट, मक्का मस्जिद, अजमेर समझौता, इसमें डाला गया, क्यों, तो मौका चलाए। तो ये अपने यहाँ का तरीका है प्रोसिक्यूशन का, अब आपको लटकाना है किसमें, तो ये तरीका है। तो आपने जो बोला ना पहला FIR ये था, फिर ये FIR आ गया, और डाल दो जिसको डाल। अभी देखिए समझौता एक्सप्रेस का जो केस चल रहा था वो पूरा हो चुका था, उसका डिसीजन आना बाकी था, फिर भी उसमें डाल दिया, लेकिन उनकी चार्जशीट में तो इनका नाम है ही नहीं, लेकिन यहाँ की जो मालेगांव पे इसमें डाल दिया कि कर्नल पुरोहित उसमें भी था। तो ये तरीका है, तो ये चलता है भाव। 12 फरवरी 2001 को ही ये केस खत्म हो जाना चाहिए था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सब को आपराधिक साजिश की धाराओं से बरी करते हुए इन धाराओं को हटाने का आदेश जारी किया था। लेकिन 2011 में CBI अचानक सुप्रीम कोर्ट में मुंह करती है, 2011 यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, 2011 यानी आडवाणी और दूसरे लोग विपक्ष में, तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है CBI और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मामले में आदेश जारी करती है और फिर से नए सिरे से मामला जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो सरकारें बदलते ही जिस तरीके से CBI के तौर तरीके बदलते हैं, इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है भाऊ कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीजेंड नेता जो राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार हो सकते थे, जो राष्ट्रपति भी बन सकते थे इस देश के, केवल इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन पाए क्योंकि अदालत में उनके खिलाफ विवादित ढांचे का मामला चल रहा था, आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई थी, तो एक तरीके से उनके राजनीतिक करियर को भी इन लोगों ने डिमोलिश किया है। बिल्कुल, ये तो अभी देखिए आप बोले 2001 से 2011 तक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 11 के बाद की पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, कांग्रेस बदनाम, UPA बदनाम होती जा रही थी जी जी, तो चैलेंजर हो सकता है तो उसकी इमेज खराब करो, इसके लिए ही CBI कोर्ट में चली गई। और देखिए मैंने क्या बोला आपको कि एक केस डाल लो, उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, फिर ये बार बार बोलते हैं, ये तो अभी अमित शाह के बारे में 8 साल 10 साल क्या बोल रहे, ये तो तड़ी पार है, बोलते थे ना बार बार, ये तो तड़ी पार है, क्या हुआ उसका आगे, आगे क्या हुआ, सिर्फ बदनाम करने के लिए, सिर्फ बदनाम करने के लिए, ये तो तरीका रहा है। और देखिए कांग्रेस ने जितने बुरे बुरे तरीके से कानून और सब इंस्टीट्यूशंस यूज किए, उसमें से 10 गुना भी मोदी या BJP गवर्नमेंट नहीं यूज करती। अब देखिए इसमें इन्होंने लाया, चलाओ, चला दे लिया और क्लीन चिट लाया, उनको मालूम था क्लीन चिट आने वाली थी। हाँ, लेकिन कोर्ट से वो आए तो अच्छा रहता, तुम मामला पीछे ले लो तो रहेगा, इन्होंने तो पीछे लिया था, नहीं तो कोर्ट में जाते तो आज हथकड़ी लगती, जेल में जाके पड़ते, ये तो बोलना, लेकिन अभी भी बोलेंगे, ये बात मत बोलो आप कि ये अभी भी बोलेंगे,
अगर सुप्रीम कोर्ट पर एक कोई प्रशांत भूषण खड़ा होकर बोलता है कि ये चारों चीफ जस्टिस ये तो करप्ट थे, वो भी डिसेंट है, इनके लिए हर कुछ, मैं आपको गाली दो वो भी डिसेंट है, आप मुझे बलात्कार भी नहीं करने देते, आप डिसेंट चुप कर रहे, तो समझ रहे आप, बलात्कार भी करेंगे तो भी उसको डिसेंट बोलेंगे ये लोग, यानी मतभिन्नता बोलेंगे। उस लड़की की और मेरी मतभिन्नता थी ना, तो मुझे आरोपी क्यों बना रहे हो? ये इस सोच हमको समझ लेनी चाहिए, तो उसमें आपको डाल देंगे और उस पर बदनाम करते रहेंगे। यही बात आरडी त्यागी नाम के मुंबई के कमिश्नर थे, तो 92 के दंगे फसाद में उनको भी फंसाया गया था, एक बेकरी थी उस पर उन्होंने गोली चलाई वगैरह कुछ था उस दंगे में, तो उनको भी एफआईआर डाल दिया, उनको अरेस्ट कर दिया, फिर वो 15-1 महीना हो गया तो फिर वो हाईकोर्ट में गए, अरे मेरा मामला चला, हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, फिर डाला क्यों था? आप जिसको डिफेंड नहीं कर सकते वो डाला क्यों जाता है? तो मोदी भी वो उनके गवर्नमेंट के हाथ में था लेकिन उन्होंने चला नहीं दिया, और इसको मैं राजनीति, साफ सुथरी राजनीति बोलता हूं, बोले कि ठीक है आरोप कर रहे हो ना, कोर्ट से क्लीन चिट आने दो, और आ गई। लेकिन भाव, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि आप साजिश रच रहे हैं किसी का राजनीतिक करियर तबाह करने के लिए, सबको दिखाई दे रहा है, और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है तो सब सबने मान भी लिया है और सब मानेंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग तो मानेगा ही कि हाँ राजनीतिक साजिश रची गई थी इनका करियर खत्म करने के लिए। लेकिन जब इनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला या उन्होंने नहीं लड़ना चाहा, तब किस तरह की चीजें कही गई थी कि आडवाणी का बहुत बड़ा अपमान किया गया है, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि राहुल आडवाणी को मंच से नीचे फेंक दिया है मोदी ने, मतलब इन्होंने तब ये मोदी के खिलाफ आडवाणी के शुभचिंतक हो गए, लेकिन आपने आडवाणी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ, उमा भारती के साथ, कल्याण सिंह के साथ, गिरिराज किशोर जो अब नहीं है, विष्णु हरि डालमिया जो नहीं है, अशोक सिंगल जो नहीं है, उनके चरित्र हनन के लिए, उनका करियर तबाह करने के लिए, उनको अंदर डालने के लिए क्या क्या नहीं किया था, जो अब आप मोदी पर उनके शुभ चिंतक होकर के आरोप लगा रहे हैं, तो ये बेशर्मी की बात है। ये तो कांग्रेस की फितरत या चरित्र रहा है। देखिए माधव गोडबोले करके सेंट्रल के ये थे, होम सेक्रेटरी थे, उनकी बात एक मराठी चैनल पर मैंने सुनी थी, वो बोले कि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन से इतना तोड़ मरोड़ कर दिया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और केशवानंद भारती में केस में जो फैसला आया वो इंदिरा गांधी को रोकने के लिए था, नहीं तो यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन बचती नहीं। इंदिरा जी तो मनमानी करती थी, मनमानी करती थी। आज ये सब कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला कर बोम्बई केस बोलते, अरे बोम्बई केस हुई क्यों? नरसिंह राव के जमाने में कर्नाटक की बोम्बई सरकार जिस ढंग से बर्खास्त की गई, असेंबली बर्खास्त की गई, उसके खिलाफ वो केस थी ना, और आज उसी का तिनका पकड़ कर ये तैरना चाहते। लेकिन बोम्बई केस हुई क्यों? बोम्बई का जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो गुनहगार कांग्रेस है, और बहुत सारे मामले। आपको बता दूं, रामलाल ये हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, उन पर क्रिमिनल केस होने वाला था, यानी सब तय हो चुका था, एसीबी का रिपोर्ट आया था, तो इन्होंने, इंदिरा जी ने उनको इमीडिएटली रिजाइन करने को बोला और उनको आंध्रा का गवर्नर बना दिया, राज्यपाल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। उन्होंने वहां जाके भी पॉलिटिकल तमाशा किया, वो चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव को, हाँ उनकी सरकार को बर्खास्त। तो देखिए कानून जहां जहां तोड़ मरोड़ सकते हैं, ये तो कांग्रेस की फितरत है, बदनामी की बात बहुत छोटी है।
हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मारे, कानून को कैसे मारे, डेमोक्रेसी कैसे खत्म करे, ये तो कांग्रेस की फितरत है। भाव कितना बड़ा दिन है, एक तो नवंबर 2019 में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से भूमि जो है वो राम मंदिर के लिए सौंप दी, और अब 30 सितंबर 2020 को ये दूसरा अहम फैसला आया है। खास तौर से हिंदूवादी जो सोच के लोग हैं, जो राम भक्त हैं इस देश के, सनातन धर्मी हैं, उनके लिए ये दोनों फैसले कितने अहम हैं, और ये भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके रास्ते में कितना बड़ा मील का पत्थर आप मानते हैं? देखो, मैं इसको धार्मिक लड़ाई मानता हूं। हिंदू हिंदू हम जब बोलते हैं ना, तो धर्म के नाम पर लड़ाई या नहीं, चर्चा हुई है। जो चर्चा में जीत गया, चर्चा में जीत गया, उसका धर्म श्रेष्ठ माना गया, जीता ऐसा माना गया जी। तो राम मंदिर का मसला हो या अभी ये बाबरी गिराने का मसला हो, उस दोनों पर चर्चा होकर हम जीते हैं, इसलिए मैं उसको असल में धार्मिक लड़ाई मानता हूं। कानून की लड़ाई तो थी, लेकिन चर्चा करके जीते हैं, हमारी सत्ता आई इसलिए जीते, ऐसा नहीं है ये। और अभी देखिए, तुर्की में वो जो चर्च था उसको उन्होंने इस्लामिक म्यूजियम बना दिया, कोर्ट से नहीं, कोर्ट से नहीं, ये फर्क आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए कोई भी बोलेगा कि धार्मिक कानून की लड़ाई थी, कानून से लड़ी यानी चर्चा से लड़ी और जीती, हथियार से नहीं। गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता है या इसका मतलब हथियार है, उससे नहीं जीते, चर्चा करके, विचार विमर्श होके, कानून की बेसिस पर ये लड़ाई जीती, इसलिए सनातन धर्म की जीत है। क्योंकि सनातन धर्म हथियार से नहीं लड़ता, अपना बड़प्पन है, जो श्रेष्ठत्व है वो सिद्ध करने के लिए सनातन धर्म जो है वो चर्चा से जीतता है। तो जब तक हमने ये मोदी ने करके दिखाया, या राम जन्मभूमि का मामला हो या बाबरी गिराने का मामला हो, उसमें कोर्ट से क्लीन चीट लाई है। तो इसलिए कानून तो है ही, लेकिन कानून की लड़ाई से मैं इसको बड़ी धार्मिक लड़ाई जीती है, समझ, धर्म युद्ध जीता है। भाव, पहले अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे, करीब करीब 6 साल रहे, चाहते तो तब भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी सरकार, उसके हाथ में था, और 6 साल से मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसा आपने कहा, लंबी कानूनी लड़ाई का इंतजार भी किया गया। जो विवादित जमीन थी, मालिकाना हक वाला मामला था, उसका भी कितने लंबे समय तक हिंदुओं ने इंतजार किया है, सरकार ने इंतजार किया है, अटल जी की सरकार ने भी और मोदी की सरकार ने भी, और अब इस मामले में भी 28 साल का इंतजार किया गया है। 28 साल किसी राजनेता के करियर में बहुत लंबे होते हैं। ये जो आस्था है कानून के प्रति, और ये जो मैसेज है, केवल भारत के भीतर नहीं, भारत के बाहर भी, उन ताकतों के लिए भी जो हमारे यहाँ गड़बड़ियां फैलाना चाहते हैं, गड़बड़ियां फैलाते रहे हैं उन्होंने, और जो हमारे भारत के भीतर बैठे हुए कुछ लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी, और अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले पर भी टीका टिप्पणी करेंगे, और जो बाहर बैठी हुई ताकतें हैं उनको भी मौका देंगे भारत के खिलाफ जहर उगलने का, तो ये जो मानसिकता है हमारे घर के भीतर ही, जो लोग कानून को भी मानने को तैयार नहीं है, संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको भी मानने को तैयार नहीं है, इन पर आप क्या कहेंगे?
वो सब सलमान खान है, उनको मैं सलमान खान मानता हूं। तो सलमान खान की कोई फिल्म मैंने नाम भी याद नहीं, थोड़ी सी देखी थी, उसमें वो बोलता है ये अगर मैं कुछ तय कर लेता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये लोग ऐसे है जी, वो खुद की भी नहीं सुनते, हमारी कहां सुनेंगे, कानून की कहां सुनेंगे। कि उन्होंने तय कर लिया कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जो कुछ है वो गलत है, और उससे वो खुद का ही मानो कि खुद का ही द्वेष हेट करते कि मैं क्यों इंडियन हूं, मैं क्यों भारतीय हूं, उसकी उनको शर्म है। इसलिए वो हमेशा अपनी ही निंदा नालसी करते। अब इसमें भी देखो ना, राम जन्मभूमि का जो केस था वो इतने साल क्यों पीछे 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 ढकेल लगा, नहीं अभी मत करो, 19 के चुनाव के पहले मत करो। कौन बोल रहे थे, जो हार गए वो बोल रहे थे ना, क्योंकि उनको मालूम था हम हारने वाले, हम झूठे हैं। बिल्कुल, जब देखो सच्चाई ऐसी बात है उसको हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। आप लोहा खरीदने जाते हो ना, तो लोहा कोई कस लगा के नहीं खरीद कर, हाँ ये लोहा है भाई कितना, 10 किलो दो, टन दे दो। सोना रहेगा तो आप 10 ग्राम भी ले लो तो चेक करके लेते, इसलिए सच्चाई सोने जैसी होती। तो उसको बार बार अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ता है, उसमें कोई गलत नहीं है। हिंदुइज्म वैसा ही है, उसकी ही परीक्षा ली जाएगी, बाकी रिलीजन की परीक्षा होती ही नहीं, क्योंकि वो रिलीजन है, धर्म नहीं है। धर्म हिंदू है जो हमेशा परीक्षा के लिए तैयार होता है, तैयार रहता है, किसी भी परीक्षा के लिए तैयार होता है, और इसीलिए तो उसको खत्म करना इम्पॉसिबल है। बाकी जो रिलीजन है, धर्म जो खुद को धर्म मानते हैं वो रिलीजन है। रिलीजन का मतलब ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजी, इनकी एक आइडियोलॉजी है, और वो हमेशा उसको बचाना चाहते। मन मुझे जो हिंदुत्व निष्ठ है यहाँ के, उनकी कभी कभी दया आती है, क्योंकि ये किसको बचाएंगे, हिंदुत्व को बचाने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। जो जिसको खत्म होने का डर है उसको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, उसको रिलीजन बनाना पड़ता है। तो हम हमारा ओप नहीं है, हम सब लोग शंकराचार्य भी नहीं मानते। बात समझ लो कि शंकराचार्य कोई फतवा निकालेगा हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सामने आएंगे तो उनको पाव भी उनके पाव छुएंगे, लेकिन वो अगर हमको राजनीति में सामाजिक किसी तो हम उनका फतवा नहीं मानेंगे। ये फर्क है, अपनी जगह वो बड़े हैं, हम उनके पाव छुएंगे, लेकिन हमारे जिंदगी के कोई डिसीजन शंकराचार्य भी नहीं ले सकते। ये जो है ये बड़ा बड़प्पन है हमारा हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का। भाव इन दो फैसलों के बाद नवंबर 2019 और अब सितंबर 2020, इन दोनों फैसलों के बाद आगे का आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी? देखिए अभी अभी इसको राजनीति बोले क्या बोले, अभी अभी मोदी ने इनके लिए कैसी दुविधा बना दी। देखो अब 3 दिन से 4 दिन से हम फार्मर्स एजिटेशन देख रहे, अब उस पर बोले या इस पर बोले। जो मीडिया स्पेस अपोजिशन को मिलता है उसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, बोलिए ना मुझे। आपका ही दाव है, आपका ही पेच है, अभी कैसे निकलेंगे इस, या तो जाने दो, ये बाबरी का मामला छोड़ दो और फार्मर्स को जाओ। तो फार्मर्स के पीछे दौड़ते हैं तो मुस्लिम के वोट चले जाएंगे, उस पर तो चिल्लाना जरूरी है। अभी फिर बोलेंगे कि हाँ फार्मर्स के मामले से डाइवर्शन लेने की, अभी कोर्ट ने तारीख तय की तो मोदी क्या करेंगे उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि भाई जल्द से जल्द ये जज रिटायर होने के पहले इसका डिसीजन आना चाहिए, तो इसलिए तो
30 सितंबर हो गई, तो अभी फार्मर्स का मामला बोलेंगे बीच में लाया, तो उसका तो अध्यादेश निकला था, ऑर्डिनेंस निकला था, आप 3 महीने पहले से एजिटेशन कर सकते थे, तो आप आपके ही दाव में फंसते जाएंगे। मैंने बोला था ना उस दिन, चक्रव्यूह में फंसना जो होता है एक बात होती है, लेकिन ये खुद के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं और उसमें फंस जाते और कुंडी अंदर से लगाते और चिल्लाते रहते बाहर से कोई दरवाजा खोले, कौन खोल सकता। तो राजनीति जिस ढंग से आगे जाएगी तो ये उसमें फंसे वहां से कैसे निकले, ये इनको सोचना जरूरी है। लेकिन इसके लिए एक बात होती है कि हमारी गलती कहां होगी, इसके पहले कहां गलती हुई, उसके पहले, लेकिन ये मानते कि हम गलती किए ही नहीं है। हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल्स बोले जाते हैं सोकॉल्ड सेक्युलर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल से सेक्युलर छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता, राइटिस्ट के पास इंटेलेक्चुअल है ही नहीं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होना है तो आपको सेक्युलर होना पड़ता है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी है, ये जिंदगी में एक गलती, मैं हमेशा बोलता हूं कि बुद्धिजीवी जो हमारे यहाँ डंका बजाते हैं कि हम भैया कौन है, तो हम इंटेलेक्चुअल है ऐसा जो बोलते हैं, वो जिंदगी में एक ही गलती करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल बनते जी जी। तो गलती क्या करते हैं, वो कभी भी गलती नहीं करते, यही बड़ी बारी गलती है। अब गलती ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे, अगर गलती आप मानते ही नहीं तो इसके लिए हमेशा नई नई गलतियां करते जाते जी जी जी। तो इसलिए इनकी राजनीति खत्म होते जाएगी इसका पर एक एक आप मुझे एक बताइए कि गए 6 साल में एक सेटबैक आप मोदी को दे सके, क्यों नहीं दे सके, इस पर सोचो कम से कम कि आपको मोदी को हराना है। तो भाई हम 6 साल से लड़ रहे हैं, एक एक कोई चीज ऐसी नहीं है, एक बाबत ऐसी नहीं है कि जिसमें मोदी को सेटबैक दे सके, नहीं तो सोचना चाहिए कि हम कहां गलती हो गई, हमसे कहां चुके। लेकिन वो गलती अभी देखिए, मैंने करोड़ वर्षों पढ़ा, वो 30,000 करोड़ रुपए जिसके जेब में डाले होते, वो अनिल अंबानी बोल रहा है मैं भिखमंगा हो गया हूं, गरीब बीवी के गहने बेचकर जी रहा हूं, ऐसा बोल रहा है कौन, जिसके जेब में राहुल गांधी ने मोदी के हाथ से 30,000 करोड़ डाले थे, वो तो बोल रहा है कि घर चलाने के लिए पैसे नहीं। अब कम से कम उसके लिए सामने आकर बोले कि मैंने वो गलत बोला था, ये तो नहीं मानेंगे, तो नहीं गलती करेंगे। जब आप गलती करते ही गए तो मोदी को आसानी हो जाती है, तो राजनीति जो है वो मोदी को चाहिए वैसी ही होती रहे, बिल्कुल हर फैसला उनको चाहिए वैसा ही होगा, क्योंकि ये एक बात समझ ले मोदी या अपोजिशन जो है या कोई जो एंटी मोदी है उनको एक बात समझनी चाहिए कि मोदी हारने की लड़ाई लड़ते नहीं जी जी। तो अगर उनसे लड़ना है तो वहां वो कौन सी लड़ाई हार सकते हैं ये ढूंढो और उस लड़ाई में मोदी को खींच के लाओ, तब उसको हरा सकते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति आगे कैसी जाएगी इसके परिणाम आप समझ सकते हो। भाव बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला और जो आडवाणी और दूसरे लोगों पर फैसला आया है उस पर बहुत विस्तार से रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।